हमारे पास में जो ऑडियो वीडियो कॉल्स आते रहते हैं उसमें काफ़ी लोग अलग अलग तरह के उनके लक्षण बताते रहते हैं। कुछ समय वो क्लियर कट डायग्नोसिस होता है, कुछ समय वो क्लियर कट डायग्नोसिस नहीं होता है, मिक्स सिम्टम्स रहते हैं। जैसा अभी मैं कुछ पेशेंट्स के बताऊंगा मैं आपको सिम्टम्स, और आपको समझ में आएगा कि इतना वेग सिम्टम रह जाते हैं मगर तकलीफ तो बहुत होती है लोगों को। अभी ये देखो, इनका इनकी उम्र है 75 साल की, 75 ईयर्स। बेचैनी रहती है, नर्वसनेस है, कुछ सूझता नहीं है, सिर दुखता है, ऐसा लगता है कि बेहोश हो जाएंगे क्या। कभी कभी लगता है कि बेहोश है अपन, होश ही नहीं ऐसा लगता है। पैनिक डिसऑर्डर की तकलीफें उसको उनको है, जी घबराता है, सिर बहुत भारी भारी रहता है, किसी के साथ में ऐसा लगता है कि बोलना भी नहीं, कुछ काम में मन लगता नहीं, बीपी बढ़ा हुआ है, थायराइड की तकलीफ है और उसकी दवाई चालू है, मगर घबराहट बहुत होती रहती है और ज़्यादा घबराहट होगी तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सिर बहुत भारी होता है और ऐसा लगता है कि सिर जैसा एक कपड़े से ऐसा टाइट बांध लिया है, ऐसा उनको लगता है। कान में आवाज़ बहुत कम आती है और रात को नींद नहीं आती, बोलने की इच्छा होती मगर किसी से बात नहीं करते, ज़्यादा समय तक बात नहीं कर पाते और बार 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 नकारात्मक विचार आते हैं, जीवन में क्या पड़ा है, क्या करना है, अभी तो ऑलरेडी 75 की एज है। और ये ऐसा क्यों होता है ये समझता नहीं है, रहते अकेले हैं, जल्दी जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, बाथरूम बार बार जाना पड़ता है, और ये एक ऐसा मिक्स सिम्टम्स है, ज़्यादातर डिप्रेशन के सिम्टम्स है। बाकी उनकी सब जांच जो रिलेवेंट है वो निगेटिव आ गई, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, और एंटी डिप्रेशन से ये अच्छे हो सकते हैं, मतलब दवाइयाँ दिया तो, और साथ साथ हिप्नोथेरेपी की है तो बहुत ही फायदा होता है। एक दूसरा है, इनको पॉर्न एडिक्शन है, और पॉर्न एडिक्शन से क्या होता है कि उनको लगता है कि अच्छा नहीं है मगर नहीं पॉर्न देखा, दो दो तीन तीन घंटे पॉर्न देखना पड़ता है, पॉर्न वीडियोस, फिर नहीं देखा तो चिड़चिड़ होती है, हाथ थर थर कांपते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता है, और पॉर्न देखा नहीं तो रह नहीं सकते, मतलब उनको बीच बीच में दिन भर में ऑन करना है और देखना ही है, और पॉर्न वीडियो देखे नहीं तो फिर खुश रहते नहीं है, रेस्टलेस, घबराहट, बेचैनी, ऐसा लगता है कि इसको मार दूं, अपने आप को मारूं, ऐसा मतलब इतना वो उनको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं पॉर्न के, और ऐसा लगता है कभी कभी जाके खुदकुशी कर लो, आत्महत्या कर लो, ये क्या अच्छा नहीं है एडिक्शन, और नहीं किया तो भी प्रॉब्लम है। अब यह है 26 साल का लड़का, इसमें इन्होंने बोला है कि भाई निगेटिव विचार बार 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 आते हैं, लोगों को देखा तो घबराहट आती है इसलिए बाहर जाता नहीं है, बहुत डर लगता है और बहुत इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़, छोटी छोटी बात के ऊपर घर में गुस्सा करता है, किसी ने कुछ बोला तो सहन होता नहीं, उसको लगता है कि अभी अकेले बैठना है, कहीं जाने का आने का नहीं है, कहीं उसको लगता है कि कहीं जाना आना नहीं, घर में बैठो, घर में किसने बोला कि जा बाजार से मार्केट से कुछ लेके आ जा, तो उसको डर लगता है बाइक चलाने को। उन्होंने कुछ वीडियोस देखे तो उनको लगता है कि नहीं अपने को ऐसा हो जाएगा, मौत आ जाएंगी, मृत्यु हो जाएंगी अटैक से या पैनिक अटैक आ जाएगा, ऐसा डर लगता है, सीने में बहुत धड़कन होती है, और दवा जब लेते हैं थोड़ा सा एंजाइटी कम करने की तो अच्छा लगता है, मगर अभी उनको ये डर लगता है कि ये दवा का एडिक्शन हो जाएगा। अभी इनको मैंने हिप्नोथेरेपी बोला, हिप्नोथेरेपी से क्या होता है कि हिप्नोथेरेपी में विजुअलाइजेशन जब करते हैं, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, और उससे उनको यदि बाहर जाने के लिए बोला कल्पना शक्ति में, तो बिना दवाई का भी अच्छा हो जाता है व्यक्ति। तो हिप्नोथेरेपी विथ विजुअलाइजेशन, ये इसका इलाज हमने किया और उनको बहुत फ़ायदा हो गया। तो ऐसे काफ़ी सारे बीमारियाँ हैं और लोग आते रहते, ऐसा कुछ आपको लगा कि नहीं आपको कंसल्ट करना है, नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कॉल्स हो सकते हैं और हम फिर आपको कंसल्टेशन से दवाई दे सकते हैं या साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी का इलाज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।